Hi everyone, welcome to my channel Bilimings. Today I am making Malai Bati recipe. This is very delicious, tasty and easy recipe. आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी है और इसमें कोई टेस्ट में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। चाहे आप एक बड़े होटल में खा रहे हैं या घर में बना के खा रहे हैं, आपको टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही जल्दी, जस्ट 30 मिनट्स में ये बन जाती है। आपके घर कोई मेहमान अर्जेंट आते हैं तो आप उनको बना के खिला सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसमें एक छोटा कप ऑयल डाला है। अगर आपके पास एक नॉर्मल कप है तो आप हाफ कप लीजिए। और इसके बाद मैंने ये बोनलेस चिकन इसमें ऐड किया है, ये हाफ के जी है। अगर आप 1 kg का रेडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर चीज़ डबल कर लें, जितनी मेजरमेंट है वो आप इसकी डबल कर लें। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा, तकरीबन 8 to 10 मिनट्स आपको इसको फ्राई करना है अच्छे से, एंड स्टर कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। इसके बाद आप देखिएगा कि ये तकरीबन फ्राई हो चुका है और इसका कुकिंग टाइम टोटल 30 मिनट्स है। इस दौरान आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको रेडी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 tablespoon सॉल्ट, इसमें मैंने ऐड किया है। एज़ यू नो कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास चिकन 1 kg है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, यानी कि मैंने 1/2 tablespoon सॉल्ट लिया है तो आप 1 tablespoon इसमें ऐड कर सकते हैं। इस दौरान मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये 5 to 6 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी बड़ी वाली, उसका मैंने थोड़ा सा पानी, 2-3 tablespoon पानी डाल के पेस्ट बनाया था और इसको इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है। और समझें कि मलाई बोटी में आपको टेस्ट जो है वो इसी से आता है, ग्रीन चिलीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट है। पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन लोग बहुत पसंद करते हैं ग्रीन चिली को और अपने खानों में ऐड करते हैं। नाउ आई एम एडिंग योगर्ट, ये मैंने 1 cup योगर्ट ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको दाने वगैरह नज़र नहीं आ रहे, बहुत अच्छे से मैंने बीट करके इसमें ऐड कर दी है। और योगर्ट डालने के बाद यू हैव टू स्टिर कंटिन्यू, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से इसको हिलाते रहना है। इसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 pack ऑफ क्रीम, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं जो यूज़ करते हैं खानों के अंदर। तो मैं इसको 1/2 pack ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1/2 kg चिकन है और इसको बहुत अच्छे से स्टिर किया मैंने और कंटिन्यू इसको चलाते रहें। जब आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसका क्रीम से फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इवन ये कि आप एक मरतबा इसको बनाएंगे तो आप इसको सेकंड टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, क्रीम और योगर्ट डालने के बाद आपको कंटिन्यू इसको स्टिर करना है, इसको लीव नहीं करना है। और जैसे जैसे आप इसको स्टिर करते रहेंगे ये ड्राई होती जाएगी। अब ये देखें तो टोटल 8 मिनट्स मुझे लगे हैं इसको इस फॉर्म में लाने के, टोटल आपको 8 मिनट लगेंगे। और ये देखें बहुत थिक सा इसका जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर, आप चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ब्लैक पेपर था तो मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको ऐड कर दिया है, ऑलमोस्ट दिस इज़ डन। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, इवन ये कि जब इसको हमने खाया था तो बहुत ही ज़्यादा हम मज़े से खा रहे थे। और इवन ये कि इसका टेस्ट बहुत, जैसे हम होटल्स वगैरह में खाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट था। ये देखें बहुत अच्छा सा इसका ग्रेवी रेडी हो गया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ऑफ द फ्लेम एंड पुट इन टू डिश। अब मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ और देखते हैं कि इसका कैसा लुक आता है।
ये देखें, वाह माशाल्लाह, दिस इज़ लुक ऑसम। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और मलाई बोटी किसको पसंद नहीं होती, आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है। आई शेयर ऑन माय चैनल बहुत ही इजी और आसान रेसिपी शेयर करती हूँ, जो फटाफट बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।